मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। I am asking you something। कहने की जरूरत नहीं है कि वो पागल है। Needless to say that he is mad। कहने की जरूरत नहीं है कि वो पागल है। Needless to say that he is mad। पूछने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है। Needless to ask, he already knows। Needless to ask, he already knows। ये फायदे का सौदा नहीं है। It's not worthwhile। क्या वहाँ जाना फायदेमंद है? Is it worthwhile going there? राम बहुत देर बाद आया। Ram came after a long। वो बहुत देर बाद आया था। He had come after a long। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। You remind me of Ram। तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। You remind me of my brother। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। Your face reminds me of someone। मैं दिल्ली में पला बढ़ा। I was brought up in Delhi। अगला सेंटेंस है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। I always stand by you। उसने मेरा साथ दिया था। He had stood by me। वो हकला रहा था। He was stammering। ठीक है, वो हकला रहा था। He was stammering। राहुल हकलाता है। Rahul stammers। क्या मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening to me? लड़के चाय पी रहे थे। The boys were taking tea। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। I was waiting for you। यही मोबाइल मैं चाहता था। This is the mobile I want। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। These are my books, those are yours। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊंगा। I have decided to go। वो आजकल मौज में है। He is enjoying these days। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। I am cleaning the room। तुम मेज साफ कर रहे थे। You were cleaning the table। मेरे मित्र दोषी थे। My friends were guilty। दोषी को इंग्लिश में गिल्टी बोलते हैं, ठीक है। मेरे मित्र दोषी थे। My friends were guilty। हमने शिमला में खूब आनंद लिया। We enjoyed a lot in Shimla। तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है। Your rude behavior has hurt him। Your rude behavior has hurt him। मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। I have joined today। इन सब फाइलों को लेकर आओ। Bring all these files। मैं कल बाजार जाऊँगा। I will go to market tomorrow। चपरासी कमरे की सफाई करेगा। The peon will clean the room। चपरासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Peon। The peon will clean the room। ये किताब किसकी है? Whose is this book? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। I didn't expect it from you। आपका टीवी बंद है। Your TV is off। Your TV is off। टीवी चालू कर दो। Turn on the TV। हम रात को सोएंगे। We will sleep at night। मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा। I will read this book today। दरवाजे पर कौन खड़ा है? Who is standing at the door? मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? How can I trust you? हम रास्ता भूल गए हैं। We have lost our way। वह कल स्कूल जा रहा होगा। He will be going to school tomorrow। वो आ जा रहा होगा। He would be coming today।
ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। पत्र डाक द्वारा भेजा गया। लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंक्चर। द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंक्चर। आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। यू नो वॉट आई मेट रिया यस्टरडे। यू नो वॉट आई मेट रिया यस्टरडे। अपने कमरे में जाओ और इंतजार करो। गो टू योर रूम एंड वेट देयर। अपने कमरे में जाओ और इंतजार करो। गो टू योर रूम एंड वेट देयर। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। वाटर फॉर मी। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। पीछे को इंग्लिश में बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। अब अगर आपको बोलना हो कि श्याम तुम्हारे आगे खड़ा था तो कैसे बोलेंगे? श्याम वॉज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। श्याम वॉज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। कलम मेज पर है। पेन इज ऑन द टेबल। पेन इज ऑन द टेबल। मुझे किसी तरह पता चल गया। आई सम हाउ गॉट टू नो। अगला सेंटेंस है, मैं कुछ कह रही हूँ। आई एम सेइंग समथिंग। आई एम सेइंग समथिंग। अपने दांत अच्छी तरह साफ करो। क्लीन योर टीथ वेल। क्लीन योर टीथ वेल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किताब तकिया के नीचे है। बुक इज अंडर द पिलो। किताब तकिया के नीचे है। बुक इज अंडर द पिलो। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। Nobody can replace my father. Nobody can replace my father. तुमने उसे क्या बताया? What did you tell him? What did you tell him? क्या तुमने कुछ कहा? Did you say something? Did you say something? 10:05 हुए हैं। It is 5:10. It is 5:10. मेरी घड़ी तेज चल रही है। My watch is running fast. मेरी घड़ी तेज चल रही है। My watch is running fast. खुद के लिए तो हर कोई करता है। Obviously everybody does for himself. खुद के लिए तो हर कोई करता है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Obviously everybody does for himself. अगला सेंटेंस है, तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? You are not angry with me, are you? You are not angry with me, are you? तुम कहाँ कुछ कहती हो? You hardly ever speak. तुम कहाँ कुछ कहती हो? You hardly ever speak. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। I feel like going somewhere. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। I feel like going somewhere. I feel like going somewhere. चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। I feel like eating chocolates. I feel like eating chocolates. मन कर रहा है के लिए इंग्लिश में feel like वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा समय आएगा। Better time will come. Better time will come. बादल गरज रहे हैं। Clouds are thundering. गरजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Thundering. बादल गरज रहे हैं। Clouds are thundering. Clouds are thundering. आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। Now onwards he will never hurt you. आपको किसी को बोलना हो कि आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Now onwards he will never hurt you. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। I will not let you go. I will not let you go. मन तो किया मैं उसे थप्पड़ लगा दूं। I felt like slapping him. I felt like slapping him. तुमने किसका नाम लिया? Whose name did you take? Whose name did you take? मैं एक घंटा पढ़ता हूँ। I study for an hour. I study for an hour. वो अपना समय व्यर्थ करता है। और या बोल सकते हैं वो अपना समय खराब करता है तो कैसे बोलेंगे? He wastes his time. He wastes his time. अगला सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। You shouldn't have said so. You shouldn't have said so. मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। I want to go but I can't. मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। I want to go but I can't.
दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू। वो दिल्ली से अभी अभी आया है। ही हैज जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। क्या राम अच्छा है। इज राम गुड। इज राम गुड। बच्चे किसके साथ हैं। विथ होम आर चिल्ड्रेन। विथ होम आर चिल्ड्रेन। तुम अच्छे हो। यू आर गुड। यू आर गुड। पापा राहुल के साथ थे। पापा वॉज विथ राहुल। पापा वॉज विथ राहुल। बच्चा मेरे आगे था। द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। ये लड़का कहाँ पर था। वेयर वॉज द बॉय। वेयर वॉज द बॉय। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ तो कैसे बोलेंगे। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। उसके पास पेन था। ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन। तुम्हारे पास क्या है। व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। मम्मी के पास पैसे नहीं है। मॉम डजंट हैव मनी। Mom doesn't have money. Rahul किसका भाई है। Whose brother is Rahul? Whose brother is Rahul? ये आदमी किस लड़की का पापा है। Which girl's father is this man? Which girl's father is this man? वो घर किसका है। Whose house is that? Whose house is that? अगले सेंटेंस है। मैं तुमसे लंबा हूँ। I am taller than you. I am taller than you. तुम किस शहर से हो। किसी से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। Which city are you from? Which city are you from? तुम किस शहर में हो। ये पूछना है तो कैसे पूछेंगे। Which city are you in? Which city are you in? क्या तुम्हारे पास है। Do you have? किसी बात के लिए पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास है तो कैसे पूछेंगे। Do you have? तुम्हारे पास क्या नहीं है। What do you not have? What do you not have? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल। डू यू हैव अ मोबाइल। मैं कौन हूँ। हु एम आई। हु एम आई। क्या है वो। व्हाट इज दैट। वो क्या है। ये बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। व्हाट इज दैट। मेरे पीछे कौन खड़ा था। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। उसके भाई कितने बड़े हैं। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। दिस इज माई लव फॉर यू। दिस इज माई लव फॉर यू। क्या है उसका नाम। वॉट इज हिज नेम। वॉट इज हिज नेम। ये कहानी किसी और की है। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। वो थकी हुई थी। शी वॉज टायर्ड। शी वॉज टायर्ड। राम सोया हुआ है। राम इज अस्लीप। राम इज अस्लीप। हम बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग। हम बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग। वी वर सिटिंग। तुम खड़े क्यों हो। Why are you standing? Why are you standing? उस टेबल पर क्या है। What is there on that table? What is there on that table? तुम दिल्ली के आसपास हो। You are near about Delhi. You are near about Delhi. मैं इस फोटो में नहीं हूँ। I am not there in this photograph. I am not there in this photograph. पास कुछ नहीं है। He doesn't have anything. He doesn't have anything. मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। I have some torn clothes. I am some. मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। I have some torn clothes. I have some torn clothes. राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। Ram was hidden behind the tree. Ram was hidden behind the tree. छिपे हुए की इंग्लिश क्या होती है। Hidden, ठीक है। ये तुम्हारा नहीं है। This is not yours. This is not yours. ये मेरी बिल्ली है। This is my cat. This is my cat. हम तुम्हारे हैं। We are yours. We are yours.
मैं हर पल तुम्हारे साथ था। आई वॉज देयर विथ यू एवरी मोमेंट। आई वॉज देयर विथ यू एवरी मोमेंट। गाड़ी में कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार? अगले सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? ये किसी से पूछना तो वैसे पूछेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? किस शहर में हो तुम इस वक्त? ये किसी से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ? विच सिटी आर यू इन राइट नाउ? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। जिंदा की इंग्लिश क्या होती है? अलाइव। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। राम कहीं खोया हुआ था। राम वॉज लॉस्ट समवेयर। आपको बोलना हो कि राम कहीं खोया हुआ था तो कैसे बोलेंगे, राम वॉज लॉस्ट समवेयर। आपको बोलना हो कि मैं कहीं खोया हुआ था तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज लॉस्ट समवेयर। आई वॉज लॉस्ट समवेयर। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ हूँ तो ये कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। सपने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रीम, ठीक है। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्केर्ड। आई वॉज स्केर्ड। कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर हियर एट दिस टाइम? कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर हियर एट दिस टाइम? तुम मेरे करीबी दोस्त हो। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। ये लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन। इट वॉज रिटन। ये गीता में लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन द भगवद गीता। इट इज रिटन इन द भगवद गीता। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे। द बिगर्स क्लोथ्स वर टॉर्न। भिखारी इंग्लिश क्या बोलते हैं, बिगर, ठीक है। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे। द बिगर्स क्लोथ्स वर टॉर्न। क्या तुम्हारे पास कुछ था? डिड यू हैव समथिंग? डिड यू हैव समथिंग? हमारे पास कुछ है। वी हैव समथिंग। वी हैव समथिंग। अगला सेंटेंस है, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है। He is waiting for you. He is waiting for you. तुम घर के अंदर थे। You were inside the house. You were inside the house. अगला सेंटेंस है, राम मेरे बगल में खड़ा है। राम is standing beside me. राम is standing beside me. मैं इसका आदि नहीं होना चाहता। आपको किसी चीज़ के लिए बोलना है कि मैं इसका आदि नहीं होना चाहता, कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड टू इट। आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड टू इट। वो सिगरेट पीने का आदि हो गया है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्या खुशबू है, वॉट अ फ्रेग्रेंस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वॉट अ फ्रेग्रेंस। इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस। हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं? व्हाई आर आवर डिजायर्स दीज मेनी? व्हाई आर आवर डिजायर्स दीज मेनी? अगला सेंटेंस है, तुम ऐसे क्यों हो? व्हाई आर यू सो? व्हाई आर यू सो? पैसे किसके पास है? हु हैज मनी? हु हैज मनी?